हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आरपी रिचवेयर द फुटवेयर सॉल्यूशंस में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्वालिटी रिव्यूज रिलेटेड रेगुलर स्लीपर चप्पल्स एंड सैंडल्स। आज गाइस मैं बात करने वाला हूँ स्पोर्ट्स शूज के बारे में, कौन से कंपनी के स्पार्क्स और कैंपस ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज। दोनों ही स्पोर्ट्स शूज के एमआरपी है, एक की है 1200 रुपए और एक की है 1500 रुपए। और दोनों का अगर आपको नाम बताओ ना गाइस, तो कैंपस ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज का नाम है मैक्सिको, और जो ये अपने स्पार्क्स का जो आर्टिकल है उसका भाई ऐसा कोई अतरंग सतरंग नाम नहीं है, इसका नाम है SM317। पिछले कुछ वीडियो में गाइस मुझे लोगों के कमेंट आ रहे थे गाइस कि आप स्पार्क्स और कैंपस ब्रांड में लड़ाई क्यों नहीं कराते, लड़ाई इन द सेंस आप दोनों में कंपैरिजन क्यों नहीं करते। वैसे भी मैंने काफ़ी पहले भी वीडियोज में इन दोनों के बीच में कंपेरिजन किए हैं, तो मैंने सोचा कि उस वीडियोज के रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे खासे आए थे मुझे, तो मैंने सोचा कि और हम इस तरीके से भिड़मभाड़ी वाली वीडियो लाते हैं ताकि लोगों को देखना पसंद आता है कि हाँ भाई इन दो कंपनी के बीच में सेम सेगमेंट में सेम बजट में दोनों में से कौन से स्पोर्ट्स शूज लेने चाहिए। तो आज उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कैंपस और स्पार्क्स ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज के बीच में कंपैरिजन और रिव्यू और अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर रिव्यू। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ है कैंपस और एक तरफ है स्पार्क्स। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्स करूंगा स्पार्क्स ब्रांड का शूज जिसका आर्टिकल नंबर है मैक्सिको और मैंने 8 नंबर मंगाया है। अब देखते हैं इसके अंदर किस टाइप के आए हैं। बेसिकली आज मेरे को सीजर मिली नहीं है गाइस, तो मैंने सोचा कि आज चक्कू से काम चला लेते, ठीक है। तो मैं इसे फटाक से पहले अनबॉक्स करूंगा, मतलब पूरे बॉक्स में खाली इस तरफ ऐसे सेलो टेप आई है खाली इतनी सी, आप समझ रहे। हाँ अभी मैं इसे खोल देता हूँ गाइस। आई मीन वाव, ये जो 1200 रुपये का आर्टिकल है कितना 1200। इस तरीके से मैं हल्के हाथों से इसे निकालूंगा। ये मुझे राइट का पैर आ चुका है यहाँ पे और ये मुझे आया है लेफ्ट का पैर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके साथ में कंपनी और कुछ दे रहा है क्या हमें। तो ये तो इनका एक बटर पेपर जो है वो हमें दे रहा है, इसके अलावा क्या दे रहा है। इसके अलावा दे रहा है भाइयों और बहनों ये देता है यह कैंपस ब्रांड की थैली जिस पे क्या लिखा है देखो कैंपस। अब वक्त है हमारा, अब शायद आरपी रिचवेयर का भी वक्त आ चुका है कि नहीं, ठीक है। तो हमें इससे तो कुछ लगना है नहीं, तो हम इसे हल्के हाथों से वापस डाल देंगे बॉक्स के अंदर और ये जो है बॉक्स को हम कर देंगे बंद और इस तरीके से ये शूज हमें मिलेंगे गाइस, ठीक है। अब गाइस जैसे दूसरा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल होगा, स्पार्क्स का आर्टिकल होगा, ठीक है। SM317 हम इसे हल्के हाथों से खोलेंगे गाइस। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, मतलब देखो ये एक फर्क हो जाता है गाइस। फर्क क्या हो गया देखो, यहाँ पे जो कंपनी है कैंपस ब्रांड वाला जो माल बेचता है उसने वही बॉक्स में हमें दे दिया, लेकिन ये स्पार्क्स वाले का देखो यार, ये स्पार्क्स वाला स्पार्क्स का भी बॉक्स देता है प्लस ये दूसरा भी बॉक्स देता है, मतलब स्पार्क्स वाला कितना ध्यान रखता है सेलर्स का, ठीक है। और इसमें बकायदा कुछ भी नहीं है तो ये मैं नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारा स्पार्क्स का शूज़, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और कहीं पे कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो वाव देखो ये इस तरीके से ये शूज़ यहाँ पे हमें ये शूज़ आए हैं, ये पूरी तरीके से प्लास्टिक में पैक शूज़ आए। इसके MRP मेरे हिसाब से कुछ 1500 रुपये के आसपास के इसके MRP है गाइस। इसके अलावा और कुछ मिला है क्या हमें यहाँ पे, इनकी जो कैरी बैग आती है ना, ये पेपर की कैरी बैग आती है, ठीक है, और वो थोड़ी सी अलग वोवन टाइप कैरी बैग होती है वो आ गई है। और ये बिल मुझे यहाँ पे आ गया है इसके साथ में, इसमें लिखा है 1274 रुपये, मैंने ये डील को क्रैक की थी और इस तरीके से ये स्पोर्ट्स शूज मुझे यहाँ पे आ गए, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये कैंपस ब्रांड का जो स्पोर्ट्स शूज है इसका कंप्लीट लुक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एकदम शांति से आराम से देखना ये लुक गाइस, इस तरीके से इसका ये लुक आया है और ये फर्स्ट इंप्रेशन देख के ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शूज़ होने वाले गाइस। ये रिव्यू काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त एक प्रीमियम रेंज स्पोर्ट्स शूज़ की आज हम बात करने वाले, ठीक है। अब जो मैं ये जो स्पार्क्स जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ, अब सीधी सी बात ये पूरा सील्ड पैक जैसा आया हुआ है, तो हम इसे पहले खोलेंगे। इस तरीके से मैंने इसे उद्घाटन कर दिया है गाइस, ये मैंने खोल दिया। अब मैं इसका आपको कंप्लीट लुक दिखाता हूँ गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ लग रही है मेरे को। अंडरस्टैंड ये 1200 और ये 1500 तो फर्क तो है, ठीक है। तो अब इसे मैं नहीं निकालता हूँ, इसे मैं डायरेक्ट ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए ये आर्टिकल का कंप्लीट लुक है गाइस, आप एकदम आराम से शांति से देखो इसको, पूरा मजा लो देखने का, ठीक है।
तो इस तरीके से ये शूज हमें यहाँ पे आए हुए दोनों ब्रांड्स के, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये कैंपस ब्रांड के शूज में कहाँ कहाँ ब्रांडिंग की है वो दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको टंग में इस तरफ कैंपस का लोगो मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पीछे की तरफ कैंपस की ब्रांडिंग आ जाती है। उसके अलावा इफ़ यू गो एंड चेक यहाँ पे सोल की तरफ ना, यहाँ पे आपको कैंपस की ब्रांडिंग मिल जाती है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू गो एंड चेक यहाँ पे आपको इनसोल में यहाँ पे कैंपस की ब्रांडिंग आ जाती है वापस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे साइड पे रेगजीन पे यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग किया हुआ है कैंपस का। और साइमल्टेनियसली अगर मैं स्पार्क्स ब्रांड के शूज़ की बात करूँ तो लेट्स सी स्पार्क्स में देखो एक ये फ़र्क हो गया, यहाँ पे इनकी जो बटर पेपर है यहाँ पे जो अंदर डाली हुई है सपोर्टर्स के तौर पे, उनकी खुद की ब्रांडिंग है पूरे पेज पे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू गो एंड चेक गाइस यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है स्पार्क्स ब्रांड की, ठीक है। उसके अलावा यह टांग के पीछे की तरफ इफ़ यू कैन सी इट इन द कैमरा यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे लोगो है स्पार्क्स का, फिर यहाँ पर भी लोगो है स्पार्क्स का गाइस, ठीक है। मतलब स्पार्क्स ने लोगो में काफ़ी ज़्यादा कलाकारी की है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सोल है इतना फ्लोरिसेंट है ना, तो आई डोंट नो कि इफ़ यू कैन मेक आउट यहाँ पे सोल पे ना, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रांडिंग है स्पार्क्स की, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ इनसोल पे भी ब्रांडिंग है, यहाँ पे SM317 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गाइस अगर मैं इस आर्टिकल की जो कैंपस ब्रांड के अपर की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको मैस अपर मिल जाता है। मैस जो कि एक टेक्सटाइल फॉर्म होता है इस तरीके के अपर का, और आप अगर इसके अपर की कलाकारी भी अगर देखोगे ना स्क्रीन पे, तो ये देखो यहाँ पे इस तरफ जो अपर जो भी बना हुआ है बहुत ही अच्छी कलाकारी की हुई है उन्होंने यहाँ पे, मतलब जो दिखने में बहुत ज़्यादा अपीलिंग है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अपर में यहाँ पे पीछे की तरफ भी अगर आप देखेंगे ना, ये इतना पोर्शन जो है ना, ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये PVC है बेसिकली, यहाँ पे स्ट्रिच किया हुआ है और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे मोल्ड हो जाता है ये, तो इसमें बिल्कुल भी ये निकलने की तो दिक्कत आती ही नहीं है। प्लस अगर मैं कॉलर की बात करूँ गाइस, तो कॉलर में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है। जब मैं कॉलर की बात कर रहा हूँ मतलब मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जब आप अपना पैर इसमें डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट मिलने वाला है। प्लस इन शॉर्ट अगर मैं इसके इनसोल की बात करूँ, इनसोल मतलब जहाँ पे अपने पैर पड़ने वाले, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ गाइस, तो इसकी भी यहाँ पे जो है इसकी इतनी सॉफ्टनेस तो नहीं है, बट ठीक है। मतलब अब इससे हम डेफिनेटली पहन के भी देखेंगे गाइस के ये शूज़ जब हम पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, प्लस इसका कम्फर्ट हमें कैसा फील होगा जब इसे हम पहनेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो के थोड़े से बाद में हम आपको दिखा दूंगा पहन के भी। अब अगर मैं ये स्पार्क्स ब्रांड के अगर मैं अपर की बात करूँ गाइस, तो अब सीन देखो क्या, ये भी मेरे सामने है, ये भी मेरे सामने है। इस अपर में मोस्ट ऑफ ये मैश अपर यूज़ किया हुआ है पूरे पैर पे, जबकि यहाँ पे आपको रेगजीन मिल जाती है, प्लस यहाँ पे ये जो टेक्सटाइल टाइप अपर है वो मिल जाता है, बट इसमें दोनों रेगजीन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमें मिल जाता है यहाँ पे। प्लस इसमें जो ये कलाकारी जो है ना, कलाकारी शूज़ के अपर की कलाकारी देखो, शूज़ के अपर की कलाकारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है। शूज़ के अपर की कलाकारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है गाइस, जो मतलब दिखने में इतना अपीलिंग लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब चीज़ है यार, अगर ये लॉन्ग टर्म भी पहनेंगे रेगुलरली पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखने वाली है गाइस, ठीक है। अगर गाइस मैं इसके कॉलर की बात करूँ ना, यहाँ पे ये कॉलर तो आप मानो कॉलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसमें भी काफ़ी अच्छी कुशनिंग दी हुई है। और इसकी अगर मैं टांग की बात करूँ तो टांग में भी यहाँ पे इसमें भी काफ़ी अच्छा कुशनिंग है, जबकि आप लेस वगैरह भी टाइट बांधेंगे तो आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर ये शूज़ में अगर मैं अंदर की तरफ अगर हाथ घुमाता हूँ ना, तो मतलब एक फील आता है और प्रीमियम फील आता है, मतलब ये शूज़ काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। इसके इंसोल की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो ये SM317 का इंसोल एज कम्पेयर टू इफ यू टॉक टू मी इन टर्म्स ऑफ ये, दोनों में कंपेयर करेंगे तो दोनों का सिमिलर ही लग रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है या इसका बहुत कम अच्छा है। दोनों के इंसोल डिसेंट है, नॉट दैट वेरी गुड, बट दोनों के डिसेंट है गाइस, ठीक है। अगर गाइस मैं सोल की बात करूँ ना दोनों आर्टिकल के, तो दोनों आर्टिकल में आपको फाइलॉन सोल मिल जाता है गाइस, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सोल होता है, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता। बहुत लोग इसे फाइलॉन बोलते हैं, बहुत लोग TPR बोलते हैं, तो आपको जिस भी भाषा में समझना आप समझिए, ये बेसिकली एक एडिशनल लेयर होती है ईवा सोल के यहाँ पे नीचे, जो कि बिल्कुल भी स्लिप नहीं करती और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल साबित होती है। और इसकी क्लैरिटी देखो गाइस, आप क्लैरिटी देखो, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है गाइस इसकी, ठीक है। अब मैं अगर मैं स्पार्क्स की बात करूँ, तो स्पार्क्स पे भी आपने अगर मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा ना, जहाँ पे मैंने एक नासा आर्टिकल कंपेयर किया है, जो कि एक 1500 रेंज का है नासा आर्टिकल कैंपस ब्रांड में, अगर आप उसका सोल इससे कंपेयर करेंगे तो दोनों एज इट इज सेम टू सेम है, मतलब कंसेप्ट दोनों का सेम है, मतलब ये जो ईवा सोल है, फिर यहाँ पे नीचे ये TPR लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। प्लस इसकी ईवा सोल की खासियत देखो ना, यहाँ पे जो ये कलर किया हुआ है ना, ये डबल कलर, मेरे ख्याल से ये डबल कलर सोल है, या फिर ये हो सकता है ये पहले वाइट लेयर निकली हो, बाद में इसे अलग से यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग कुछ तरीके से प्रिंटिंग होगी वो की है यहाँ पे, जो कि लुक काफ़ी डैशिंग बना देता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है गाइस, ठीक है।
अगर गाइस मैं दोनों आर्टिकल के हाइलाइट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीवीसी का यहाँ पे हार्ड पीवीसी यहाँ पे लगाया गया हुआ पेस्ट किया हुआ है अपर पे या फिर पेस्ट नहीं एम्बोजिंग वगैरह कुछ तो करते हैं ये लोग, जिससे मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाता है और आपकी लेस वगैरह जो है ये उसमें से ही गई हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ अगर इसमें कंपेयर करने जाऊँ गाइस तो यहाँ पे आपको रेक्सिन मिल जाती है, रेक्सिन के अंदर से ही ये होल किया हुआ है, उसके अंदर से ही वो लेसिस वगैरह कैरी फॉरवर्ड की है। ठीक है गाइस, इन दोनों शूज़ में एक थोड़ा हटके कंपेरिजन ये हो जाता है ना कि दोनों शूज़ में फ्लैक्सीबल शूज़ ज़्यादा कौन से, मतलब फ्लैक्सीबल इन टर्म्स ऑफ जो ज़्यादा इजीली मोड़ सकते, तो जस्ट बिकॉज के इस शूज़ में रेक्सिन का उपयोग इतना नहीं किया हुआ और यू कैन से इसमें ज़्यादा रेक्सिन यूज़ नहीं की गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ना रेक्सिन वगैरह इतनी यूज़ की गई है, इसकी वजह से क्या ये आर्टिकल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सिर्फ इतने पोर्शन में जहाँ पे रेक्सिन कम है वहाँ पे ये मोड़ जाता है, बट ये इस तरीके से नहीं हो पाता जितना इसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो ये आर्टिकल का थोड़ा सा एक है कि भाई इसमें कैंपस जीतता है गाइस डेफिनेटली, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, दोनों ही आर्टिकल का गाइस ब्रीदेबल अपर है तो पसीने वसीने की इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप जिम विम के लिए भी पहनना चाहो और जिम में बेसिकली क्या होता है आपको ग्रिपिंग अच्छी चाहिए बेसिकली, राइट, तो दोनों आर्टिकल में ग्रिपिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, तो ग्रिपिंग के लिए आप टेंशन मत लो कि कौन सा अच्छा, ग्रिपिंग के लिए दोनों ही आर्टिकल बहुत अच्छे है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लुक्स अगर मैं ये बात करूँ कि आपको कैजुअल वेयर पर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगे, तो गाइस मेरे हिसाब से ये जो मैश वाला अपर है ना, ये जो कैंपस ब्रांड ने यूज़ किया, ये थोड़ा आपको कैजुअल में ज़्यादा डैनिम वैनिम आप पहनते हो अगर जीन्स वगैरह, तो ये डेफिनेटली बात उस पर ज़्यादा अच्छा जाएगा, प्लस ये जिम के लिए भी आपको चल जाएगा। अगर ये देखूँ तो यार ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक टाइप स्पोर्ट्स शूज़ लग रहा है, जैसे कि आपको नज़दीक से भी दिखा दिया था मैंने, ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप लग रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है स्पोर्ट्स शूज़ है भाई जिम में पहन लेंगे। ठीक है, तो ये बात है दोनों ही आर्टिकल में गाइस डेफिनेटली बात है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर मैं बात करूँ तो दोनों आर्टिकल में 200-250 रुपये का फ़र्क है और 200-250 रुपये का फ़र्क डेफिनेटली मायने रखता है। हाँ, लेकिन एक ये बात भी हो जाती है कि भाई इतने महंगे 1200-1500 रुपए के अगर शूज़ अपन खरीदने की कैपेसिटी है तो गाइस अपन 200-250 रुपए नहीं देखते ना, अपन देखते हैं कि हाँ चलो थोड़ा अच्छी ले ले, बट यहाँ पे गाइस आप देखो क्योंकि यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से जो कैंपस ब्रांड का जो ये स्पोर्ट्स शूज़ का जो अपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ये बहुत ट्रेडिशनल लग रहा है। हाँ, लेकिन अभी सेकेंडली ये है कि इसकी जो सोल की क्लैरिटी है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो गाइस नाउ यू हैव टू मेक योर चॉइस कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स शूज़ लेने, अगर आपको ये स्पोर्ट्स शूज़ लेने तो ये डेफिनेटली बात है आपको हर चीज़ में चले जाएंगे आराम से, मतलब आप समझ रहे हो, आप कैजुअल वेयर के लिए भी बार बार भी जा रहे हो तो पहन सकते हो, जिम के लिए भी पहन सकते हो, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली दोनों पहन के बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसका लुक कैसा लगता है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये जो कैंपस ब्रांड का जो मैक्सिको शूज़ है, मैक्सिको शूज़ मतलब जो मैक्सिको आर्टिकल नंबर है, ये आपको मैं पहन के दिखा देता हूँ कि ये जब हम पहनेंगे तो किस तरीके से इसकी जो फीलिंग होगी, नॉट दैट फीलिंग, पहनने के बाद किस तरीके से इसकी जो फिटिंग वगैरह होगी वो हम देखेंगे गाइस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राइट पैर डाल दिया है, आई मीन वाव यार, राइट पैर जैसे मैंने डाला है ना इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस, मतलब जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स शूज में जब पैर डालते वो जो फील होता है ना वो बिल्कुल नहीं आया है, थोड़ा लगा ऐसा कि मैंने कोई चीज़ खरीदी गाइस। ये भी इस तरीके से आ गए यहाँ पे स्मेल वेल के लिए, ठीक है, मैंने इस तरीके से ये लेफ्ट वाला पैर भी डाल दिया है इसमें, देखो मैंने बिना लेस बांधे ही मैंने जब ये डाला है पैर इसमें तो बहुत ज़्यादा फिटिंग वाइज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है, बिल्कुल भी नहीं लगा है कि ये छोटा बड़ा है या इस तरीके से कुछ भी, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फिटिंग में बैठा है। अब हम खड़े होंगे इसकी कुशनिंग चेक करेंगे कि डेफिनेट क्या जेन्युइनली इसकी कुशनिंग इतनी अच्छी है या नहीं, जब हाथ डाल के देखा था तब तो ठीक ठाक लग रही थी, अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ ना जब मैं इसमें जंप कर रहा हूँ तो मुझे इसकी कुशनिंग एकदम रिजनेबल लग रही है, अच्छी लग रही है। अगर मेरे पैरों में दिक्कत वगैरह रहती है अगर मैं इसे पहनूंगा तो डेफिनेटली बात होगी दिक्कतें नहीं होगी, जिम विम के लिए बहुत एब्सोल्यूट प्रूफ प्रोडक्ट है, प्लस अगर मैं इधर आउटिंग के लिए भी जा रहा हूँ कैजुअली लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगने वाला गाइस। अब देखिए इसका कंप्लीट लुक देख लो गाइस, ठीक है, आई मीन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है ये शूज़ देखने में भी, ये ब्लू कलर तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, यू कैन गो एंड चेक द अदर कलर्स टू ऑन दैट ऐप बेसिकली, तो आपको जो पसंद है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी पहनने के बाद, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है गाइस। ठीक गाइस, मैं स्पार्क्स ब्रांड का जो कि SM317 आर्टिकल है वो आपको पहन के दिखाऊंगा गाइस। ठीक है, उसके पहले मैंने इसकी ये मतलब पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सुपर आई है इसकी, हाँ माननी पड़ेगी ये बात, तो देखो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आई है, इस तरीके से मैं सपोर्टर्स वगैरह निकाल देता हूँ गाइस। ठीक है, इसके निकाल दिए हैं, इसके सोल की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है गाइस, ये पता है थोड़ा वीडियो में ऐसा दिख रहा होगा कि आंखों में आ रही है, बट आप जब इसे मंगाएंगे ना अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी, जब इसे आप मंगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी ये आर्टिकल। बेसिकली जो नासा आर्टिकल है ना कैंपस ब्रांड का, उसका और इसका सोल कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही है, तो अब ये हम पहन के देखेंगे फटाफट
कि कैसी लग रही है। गाइस फिटिंग की बात करूं बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। छोटी बड़ी मत मंगाना, जो आपको एक्चुअल साइज आती है वही मंगाना, ताकि आप भी निराश ना हो, आपको रिटर्न करना पड़े अननेसेसरी। बट ये स्पोर्ट शूज का मेरे को लुक इतना अपीलिंग नहीं लगा, जब मैंने इसे पहना है ना, ये रेक्सिन और ये जो अपर जो इसका आया हुआ है ना ग्रे कॉम्बिनेशन, ये मेरे को उतना मतलब मोटिवेट नहीं कर रहा, इतना अपीलिंग नहीं कर रहा है एकदम। जेन्युइनली बात करूंगा गाइस, ठीक है, ऐसा नहीं, नथिंग अगेंस्ट पार्क्स, सिर्फ ये आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से आया हुआ है, और कुशनिंग की बात करूँ बना जम्पिंग ऑन दिस वन, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस के कैंपस वाला थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस वन इन टर्म्स ऑफ कुशनिंग गाइस। लाइट वेट ये भी है, ऐसा नहीं कि लाइट वेट नहीं है, अब ये फ्लेक्सीबिलिटी जो मैंने पहले डिस्कस की थी आपसे, तो इस तरीके से अगर हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बट अगर मैं इसे कैजुअली लेना चाहूँ तो गाइस मेरे को अगर पर्सनली पूछेंगे ना, तो मुझे ये कैजुअली आर्टिकल इतना कोई खास नहीं लगा गाइस, ठीक है। और वैसे अच्छा आर्टिकल, दिखने में ठीक ठाक है, बट नॉट दैट अपीलिंग इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कैंपस ब्रांड के आर्टिकल की बात करूँ, ठीक है। तो यूज योर ब्रेन एंड डू दोनों ही ड्यूरेबल है, दोनों ही अच्छे आर्टिकल है। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके डेफिनेटली बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। प्लस मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि नेक्स्ट आपको कौन से स्लीपर चप्पल सैंडल्स स्पोर्ट्स शूज के रिव्यू चाहिए, और चैनल पे बने रहो, कमेंट किया करो कि हाँ अब हम जिंदा है, ठीक है, वरना मुझे लगेगा कि यार मैं जब अपलोड करते जा रहा हूँ यहाँ पे लोगों का तो प्यार ही नहीं आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, दिस इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच।